हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रोशनी रसोई अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसन की भजिया तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से भजिया बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 कप के करीब बेसन लेंगे। बेसन डालने के बाद अब हम यहाँ पे बारीक कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। पालक को अच्छे से धोकर फिर उसे बारीक बारीक काट लेना है। पालक डालने के बाद अब हम यहाँ पे एक मीडियम साइज के आलू को बारीक चॉप करके डालेंगे। आलू को मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक चॉप किया है फ्रेंड्स, तो अब इसे ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड करने के बाद एक मीडियम साइज का प्याज को बारीक काट करके ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर देंगे। अब हमको सूखे मसाले मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाला, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। सूखे मसाले ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा ऐड करूंगी। चावल का आटा डालने से भजिए में कुरकुरापन और भी ज्यादा आता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे आखिरी में चावल का आटा ऐड किया। और इन सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भजिए की कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म होने को रख दिया था फ्रेंड्स, तो चलिए अब इन भजियों को एक एक करके फ्राई करते हैं। अब हम अपने भजियों को गर्म तेल में कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे। भजियों को फ्राई करते समय तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें आलू भी मिक्स किया है और आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम गैस का फ्लेम लो करके और इन भजियों को मीडियम आंच में ही फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारी भजिया फ्राई होके बिल्कुल रेडी हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये भजिया की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से बचे हुए बैटर की भी भजिया बनाकर हम तैयार कर लेंगे। एक बार आप इस भजियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये मेरी भजिया की रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्म भजिये को आप हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी चटनी बनाई थी इसलिए हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किया इसे। लीजिए, बनकर तैयार है गर्मा गर्म